जय हिंद जी बच्चों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पटेल फेस पे। डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को एक नया टॉपिक ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को आज हम प्रिज्म के बारे में बताने वाले हैं। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म के बारे में आप लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रिज्म क्या है और ये इसमें क्या क्या चीज कर सकता है, क्या सब चीज होता है। टोटल थ्योरी आप लोग प्रिज्म के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो घटनाएं होती है। तो रिफ्लेक्शन में आप लोग मिरर पढ़े थे, मिरर पे लाइट रिफ्लेक्शन करता था। और रिफ्रैक्शन जो होता है बच्चों, जैसे हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, इससे पहले स्लैब पढ़े थे, आगे लेंस पढ़ने वाले हैं, तो ये सब लाइट को रिफ्रैक्शन करता है। स्टूडेंट, ये प्रिज्म है, जैसे आप सभी देखते हैं कि ये प्रिज्म है। ये जो प्रिज्म है बच्चों, यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वैसे मटेरियल जिसके अंदर आसानी से लाइट प्रवेश कर सकता है। तीन प्रकार के वैसे मटेरियल होता है। एक होता है अपारदर्शी, जिसको ओपेक हम लोग कहते हैं। एक होता है पारभासी, जिसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और एक होता है पारदर्शी, जिससे हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो प्रिज्म हो, लेंस हो, स्लैब हो, ये सभी चीज ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही बना होता है। तो ये भी आप लोग देख रहे हैं, ये प्रिज्म है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है। आखिर ये प्रिज्म क्या होता है, उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। जो बच्चों, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है और इसके पास तीन सरफेस होता है। जैसे एक सरफेस इधर हो गया, एक इस साइड हो गया, एक नीचे हो गया, कि नहीं, इसमें तीन सरफेस है। और ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक सर्टेन रीजन है, एक निश्चित रीजन है, और जिसमें इसके दो सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस नाम दे देते हैं और एक सरफेस को हम लोग बेस ऑफ द प्रिज्म कह देते हैं। जिसमें से किसी भी दो सरफेस को रिफ्रैक्टिंग आप कह सकते हैं और नीचे वाला को हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, तो यही हमारा प्रिज्म है। इसी के बारे में पहले आप लोग समझिए प्रिज्म क्या होता है। सारी चीज आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा देंगे, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा, किसी भी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रिज्म से क्वेश्चन भी आता है। आप आगे आप लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों, उसमें देखिएगा प्रिज्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमून 5 मार्क तक का भी क्वेश्चन प्रिज्म से पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिज्म के बारे में आप लोगों को लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो लंबा ना हो, इसलिए पहले आप लोगों को प्रिज्म के बारे में लिख दिए हैं। प्रिज्म क्या है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो प्रिज्म के बारे में कि ए सर्टेन रीजन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलो या ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ एक सर्टेन रीजन, एक निश्चित रीजन है, एक निश्चित आकार का रीजन है, जो बाउंडेड है, घिरा हुआ है तीन प्लेन सरफेस से, उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे यही देख लो, यह एक सर्टेन रीजन है जो तीन सरफेस से घिरा हुआ है और इसी रीजन को हम लोग प्रिज्म कहते हैं, यानी इसी को हम प्रिज्म नाम दे देते हैं। आगे इसके बारे में बोला गया है कि इन विच टू सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड वन सरफेस इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म एंड द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। यानी इसमें दो सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक सरफेस को बेस कहेंगे, और ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इन दोनों के जो बीच में जो एंगल तैयार होगा बच्चों, ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा, यही वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। इसमें कि नहीं, प्रिज्म का डायग्राम कैसा होगा और इसमें सभी चीज जो हम लोग बोले हैं, इसका नाम किस प्रकार से लाइट में रिफ्लेक्शन करता है, यह सारा चीज अभी हम आप लोग बताने वाले हैं। तो जैसे जानिए, ये आप लोग प्रिज्म के बारे में बता दिए, आगे थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। यही है प्रिज्म, आप देख सकते हो ये प्रिज्म है, यही आप लोगों को बता दिए, यही एक प्रिज्म है कि नहीं, इसी को हम इस तरह से बनाए हैं बच्चों। इसमें आप जैसे कि यहां पर देखो कि ये जो दो सरफेस है, यानी ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा और ये भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही कहलाएगा, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही कहलाएगा। और ये नीचे वाला बच्चों, यह बेस ऑफ द प्रिज्म है, बेस ऑफ द प्रिज्म है,
बेस ऑफ द ये प्रिज्म है कि नहीं, प्रिज्म का बेस है। दो सरफेस को रिफ्रेक्टिव सरफेस, एक को बेस बोलेंगे। और ये जो है बच्चों दोनों रिफ्रेक्टिव सरफेस के बीच में जो एंगल क्रिएट कर रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है। जो बच्चों इसमें किस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन करता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे, कि इसमें जैसे ही कोई लाइट पास करता है प्रिज्म में तो किस प्रकार से ये लाइट को रिफ्लेक्शन कराता है। तो आगे हम लोग जानेंगे किस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, और इसमें दो फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूव करेंगे बच्चों। जो दोनों फॉर्मूला कौन सा है आप लोगों को हम बता दें, तो सबसे पहला फॉर्मूला है, यानी इसमें हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला होता है, प्रिज्म फॉर्मूला। और इस प्रिज्म फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसमें एक होता है ए बराबर आर वन प्लस आर टू, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है यह होता है आई प्लस में ई बराबर ए प्लस में डेल्टा, आई प्लस में ई बराबर ए प्लस में डेल्टा, ये दो फॉर्मूला है। अब कहेंगे ये R1, R2 ये सब क्या है बच्चों, आप लोग आगे हम जब डायग्राम बना रहे हैं इसमें ये सारा चीज के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ये बच्चों ये जो चूंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, तो इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ ना कुछ होगा। इसमें ये जो मीडियम है बच्चों, ये मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, ये अभी आप लोगों को प्रिज्म के बारे में पहले बता दिए, यही डिफिनेशन में भी लिखा हुआ था, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक सर्टेन रीजन है जिसमें दो सरफेस को रिफ्रेक्टिंग सरफेस, एक सरफेस को बेस ऑफ द प्रिज्म, और दोनों सरफेस के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं और भी प्रिज्म के बारे में। डियर बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म किस प्रकार से रिफ्लेक्शन करता है, प्रिज्म में किस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्रिज्म में किस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन करता है बच्चों, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से समझिए। यही फिर से हम आपको प्रिज्म बनाए, और इस प्रिज्म में किस प्रकार से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा इससे भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे ये प्रिज्म बना दिए बच्चों, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म है, इसे हम प्रिज्म का एंगल बोलते हैं, ये हमारा एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है, ए है ये हमारा। और लाइट का रिफ्लेक्शन हम कराएंगे अभी, जैसे आप देखो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से कराते हैं हम लोग, क्या करते हैं इधर से एक रे ऑफ लाइट लाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, इधर से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे बच्चों, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। इस प्रकार से लाइट इसमें इंसिडेंट किया है आप देख सकते हो, और ये चूंकि लाइट को जाना कैसे चाहिए था, अगर ये प्रिज्म नहीं होता आप भी जानते हो कि ये लाइट सीधे जाना चाहिए था, इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रिज्म क्या करेगा बच्चों, चूंकि ये बाहरी सराउंडिंग जो मीडियम है उसका एयर है, बाहर में क्या है बच्चों, तो एयर है। ठीक है, बाहर में क्या है, एयर है, और एयर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता है वन होता है। ठीक है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन होता है, और ये चूंकि मीडियम है, ये तो मीडियम है जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर म्यू है, तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर के तरफ जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, यहाँ पर लाइट सीधे नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, इस प्रकार से यह नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ये नॉर्मल की तरफ बच्चों बेंड करेगा, इस प्रकार से ये बेंड करेगा, और बेंड करने के बाद ये इस प्रकार से यहाँ पर आया, इस सरफेस पर आया। ठीक है, और फिर से यहाँ भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे बच्चों, इस प्रकार से नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसमें ये जो एंगल होगा ये रिफ्रेक्टेड एंगल जो ये कहलाया है, इस एंगल को हम यहाँ पर आर वन एंगल कहेंगे, और ये यहाँ पर जो आया इस एंगल को हम आर टू एंगल कहेंगे, और इस प्रकार से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है अब ये बाहर निकलेगा, इसे करके ये बाहर निकलेगा, तो बाहर जो निकलेगा तो यहां पर एक एंगल क्रिएट करेगा, इस एंगल को हम लोग इमर्जेंट एंगल के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे जानो सबसे पहले लाइट गया रेयरर से डेंसर के तरफ, थोड़ा सा नॉर्मल के तरफ बेंड किया, अब लाइट यहां पर जो आया यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए,
अब ये डेंसर से जब रेयर के तरफ जाता है बच्चों, तो ये नॉर्मल से दूर चले जाता है, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला गया। ध्यान से समझिए, हम लोग इस जो रिफ्रेक्टेड, ये जो बाहर निकला है बच्चों, इमरजेंट रे है कहलाता है, इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और ये आर वन आर टू मेरा रिफ्रेक्टेड एंगल है, ये मेरा इमरजेंट एंगल है। उसी प्रकार से इंसिडेंट रे ये रिफ्रेक्टेड है या इमरजेंट रे कहलाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, चूंकि लाइट को जाना था सीधा लेकिन ये इधर को चला गया, इसीलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे करेंगे। और डॉटेड लाइन से पीछे करेंगे बच्चों, तो ये निश्चित कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम डेल्टा नाम देंगे, और इस एंगल को हम डेविएशन एंगल के नाम से जानेंगे। इस एंगल को बच्चों हम लोग डेविएशन एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। इस एंगल को हम यहाँ पर डेविएशन एंगल बोलेंगे। थोड़ा सा आप लोग इसे समझिए, इस एंगल को हम लोग डेविएशन एंगल बोलेंगे बच्चों। और ये हमारा डेविएशन एंगल है, इस एंगल को हम आर वन नाम देंगे, इस एंगल को हम लोग आर टू नाम देंगे, ठीक है। और ये एंगल रिफ्रेक्टेड एंगल कहलाता है, इस प्रकार से, ठीक है। चलो इस प्रकार से हम लोग सारा नाम इसमें दे दिए। थोड़ा सा और समझिए बच्चों, अब आगे हम लोग जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें अभी प्रूव करना है दो फॉर्मूला। सबसे पहले अभी जो देखे हैं, ये पहला फॉर्मूला ए बराबर आर वन प्लस आर टू और आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेल्टा, ये दोनों फॉर्मूला को अभी हमें प्रूव करनी है। इस प्रकार से प्रूव करने वाले हैं, जैसे जाने हमें प्रूव करने के लिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये जो एंगल है बच्चों, ये कितना एंगल होगा इसको आप बताएंगे, ये कितना एंगल होगा और ये कितना एंगल होगा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चों, ये चूंकि नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ यहां से यहां तक, यानी ये पूरे एंगल यहां से यहां तक बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है इसीलिए। और इतना दूरी इसका जो है आर वन है, तो ये हमें निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि पूरा 90 डिग्री में से आर वन को कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में आर वन बनेगा, ठीक है। और ये वाला उसी प्रकार से, ये भी नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें से आर टू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस में आर टू हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में ये आर टू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में आर टू होगा, ये 90 डिग्री माइनस में आर टू हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को बच्चों नाम दे दो आप बी पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी पॉइंट, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया। हम लिखेंगे यहां पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है कि तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐड करो तीनों इसमें एंगल, ये तीनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में आर वन प्लस में 90 डिग्री और माइनस में आर टू और प्लस में ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से फॉर्मूला यूज कर दिए। 90 को जोड़ेंगे बच्चों, तो 90 को जोड़ने पे यहाँ पे 90 को जोड़ने पर यहाँ पर 180 तो हो जाएगा, ठीक है। तो 180 से 180 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आने वाला है, हम कह सकते हैं ना ए इज इक्वल टू, ये आर वन आर टू माइनस में है, उधर भेजेंगे ये हो जाएगा आर वन प्लस में आर टू। इस प्रकार से हमें ये जो वैल्यू बना बच्चों, यह मेरा एंगल ऑफ द प्रिज्म है, ठीक है। और एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालने की फॉर्मूला निकल गया, पहला फॉर्मूला ए बराबर आर वन प्लस आर टू। देखो हम लोगों ने आसानी से एंगल ऑफ द प्रिज्म का मान निकाले और ए बराबर आर वन प्लस आर टू की फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लिया। पहला फॉर्मूला हमें डेरिवेशन हो गया बिल्कुल सिंपल तरीका से। चलो अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं, कैसे करते हैं सेकेंड फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बच्चों डेरिवेशन अगर करना है हमें, तो किस प्रकार से हम लोग डेरिवेशन करते जानो, हम लोग एक और ट्रायंगल इसमें देखते हैं। आप देख सकते हो ए बी और इस पॉइंट को ना हम लोग कुछ एन पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है।
ABN एक तरह से छोटा वाला त्रिभुज अंदर में इस प्रकार से बनता है, जो कि आप लोगों को दिखता होगा। ABN इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। हम थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से एक एंगल तैयार होता दिखता होगा, ये ट्रेंगल दिखता होगा, ठीक है, यही वाला ट्रेंगल आपको दिखता होगा, जिसमें से अगर इस एंगल को, इस एंगल को मान निकाल ले, ये दोनों मेरा अंदर वाला एंगल है, तो ट्रेंगल की एक प्रॉपर्टी होता है कि दो अंदर वाला कोण के सम एक बाहर वाला कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलो हम लोग यही करने वाले बच्चों। यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा है, ये एंगल कितना है इसको निकालना है, और ये एंगल कितना है इसको भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। क्यों, जैसे देखो, ये अगर बच्चों आई एंगल है, निश्चित ही ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे क्रॉस करता है, ठीक है। तो अगर इधर आई है तो इधर भी आई होगा बच्चों, अगर ये आई है तो ये आई होगा, जिसमें से इतना दूर हमें आर वन है, तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, आई माइनस आर वन हो जाएगा, सिंपल। उधर भी वही काम करने वाले हम लोग कि नहीं। चलो देखो, अभी जस्ट समझ में आएगा, ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये हो जाएगा आई माइनस में आर वन, ठीक है। अभी एक मिनट में आप लोग देख लिए आई माइनस आर वन, अब बताओ इधर वाला एंगल जो है ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन क्रॉस करता है, तो ये ई है, तो इधर वाला भी ई होगा, जिसमें से इतना दूर पूरा ई है, तो ये आर टू अकेला है, घटा देंगे क्या है इसमें, ये हो जाएगा हमारा ई माइनस में, ई माइनस में, ई माइनस में आर टू हो जाएगा। थोड़ा सा अब ध्यान से एंगल को देखेंगे किस प्रकार से लिखे हैं, ई माइनस आर टू हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलो ये दो एंगल हम लोग डिसाइड कर दिए कितना कितना हुआ। अब जानिए ट्रायंगल में आप लोग भी पढ़े होंगे बच्चों, इस प्रकार से अगर कोई ट्रायंगल है तो ये कोण को जोड़ देंगे, जैसे ये ए, ये बी और ये कोण सी है, तो दो अंदर वाला कोण को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक बाहर वाला कोण के बराबर हो जाता है, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसी को। दो अंदर वाले कोण की यानी द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अंदर वाले दो अंतः कोण के ऊपर एक बाह्य कोण के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो चलिए यही काम करेंगे इस ट्रायंगल में, ए बी और एन ट्रायंगल में आई माइनस आर वन और ई माइनस आर टू को जोड़ने पर देखते हैं ये किसके डेल्टा के बराबर बना देते हैं। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एन में, ए बी एन ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, ए बी एन ट्रायंगल में हम यहां पर लिखेंगे जो है सो आई माइनस में आर वन प्लस में ई माइनस में आर टू, ठीक है, बराबर डेल्टा। सो आई प्लस में ई बराबर आर वन प्लस में आर टू, हम आर वन आर टू उधर भेज रहे हैं, इससे एक साथ रखते हैं आप प्लस में डेल्टा अलग, ठीक है। अब देखो आई प्लस में ई बराबर आर वन प्लस आर टू, अभी देखे थे ये था ए प्लस डेल्टा, और ये फॉर्मूला हम लोग आसानी से प्रूव कर दिए कि आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेल्टा के। ये दो फॉर्मूला था आप लोगों को प्रिज्म से रिलेटेड फॉर्मूला, जिसे हम लोगों ने अभी प्रूव किया कि नहीं। इस पर डियर बच्चों अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है दोनों को यूज करके हम किस प्रकार से सवाल बना सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देखिए, उसके बाद हम लोग आगे भी जानेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन है जिसमें इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे हमें बोला गया, बोला जाएगा, एक क्वेश्चन है जिससे बोलेंगे कि फाइंड द डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल इन द गिवेन क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन देने वाले बच्चों, इसमें डेविएशन एंगल का मान हम लोग निकालना है, कैसे निकालेंगे जैसे जानिए।
हम एक प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है, देखते जाइए। एक प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे जानो एक प्रिज्म ले लेते बच्चों। इस प्रिज्म में क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ये जो प्रिज्म है बच्चों, ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नाम दे देते हैं, कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। जैसे सपोज करो ये प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मान लेते हैं म्यू, और म्यू बराबर √2 है, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितना है बच्चों, √2, ठीक है। मान लीजिए इस पर एक रे ऑफ लाइट आया, एक रे ऑफ लाइट आया, इसे 0 डिग्री एंगल बनाते हुए आया है, 0 डिग्री एंगल बनाते हुए आया है रे ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसको इसे समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको इसे हम लोगों को रखना पड़ेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से लेना पड़ेगा इस प्रकार से है बच्चों। और इसका ये एंगल है 30 डिग्री, ये जो एंगल है बच्चों ये इसका 30 डिग्री है, ये एंगल इसका 30 डिग्री है, ठीक है। एक प्रिज्म है जिसका एंगल है 30 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे समझिए √2 है। इस पर एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आया है, जैसे यहाँ पर डायग्राम अगर बना दें हम, इसमें एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आया बच्चों, इधर से आया है, इधर से आया है, इधर से आया है 0 डिग्री एंगल पर, डायरेक्ट इस प्रकार से आया है, सीधा 0 डिग्री पर आया है बच्चों। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट 0 डिग्री पर आएगा तो ये बेंड नहीं करेगा, अब नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल के दूर नहीं जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पर आया है तो सीधे पास कर जाएगा, ये रे ऑफ लाइट सीधा आगे बढ़ेगा, यहाँ के बाद ये सीधे आगे जाएगा और आगे जाने के बाद ये किसी न किसी सरफेस पर बच्चों टकरा जाएगा, किसी न किसी सरफेस पर टकरा जाएगा। टकराने के बाद यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और ये बाहर की तरफ इस प्रकार से निकलेगा, ऐसे करके निकल जाएगा बच्चों, ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करेगा, ये ई एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमें यही पता करना है कि इसमें डेविएशन कितना किया है। डेविएशन का मतलब बच्चों कि लाइट को जाना चाहिए था सीधे, ये अब देख रहे हो ना, इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इधर के तरफ चला गया, ठीक है, इधर के तरफ ये चला गया, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इसी को हम डेविएशन बोले। यहाँ पर डेविएशन चूंकि सीधे गया तो यहाँ पर एंगल, चूंकि अब इससे पहले आप लोगों ने देखा था, अब यहाँ पर देखो इससे पहले वाला आपको भी थोड़ा सा क्लियर कर लो कि चूंकि यहाँ पर कुछ एंगल पर पास कराए थे इसीलिए यहाँ पर डेविएशन क्रिएट हुआ था, लेकिन वहां पर 0 डिग्री पर पास किए इसीलिए यहाँ पर ये डेविएशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेविएशन एंगल का मान कैसे निकालते हैं आप लोगों को बताते हैं, डेविएशन का मान निकालना बताते हैं, जैसे जानिए डेविएशन का मान निकालना हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से किया हुआ है, ये लाइट ऐसे किया हुआ है, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हमें दो चीज पता है बच्चों, एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है और एक इसका एंगल पता है, हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं, निकालते हैं वैल्यू सबका मान किस प्रकार से निकलता है, यहीं पर हो जाएगा बच्चों। जैसे हम इसको साइड कर देते हैं और इसमें डेरिवेशन हम लोग इसका बताते हैं, ठीक है। जैसे जानो हम लोग अभी जो देखे बच्चों दो फॉर्मूला देखे, एक फॉर्मूला देखे हैं R1 + R2 बराबर A, एक I + E बराबर डेल्टा। तो पहले हम लोग ऐसे समझते हैं बच्चों कि यहाँ पर ना इंसिडेंट एंगल कितना था, तो 0 डिग्री था, I 0 था, तो देखते हैं R1 कितना होता है, R1 की वैल्यू, और जब R1 कुछ आएगा कि नहीं आएगा, फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चों ये वाला जो एंगल बनेगा, सपोज को इसको R2 मान लो, यहाँ पर R1 वैसे तो 0 होगा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के मेथड से भी देखते हैं कि सही है कि नहीं है। जैसे देखें हम लोग लिखेंगे वी नो डैट A = R1 + R2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक का वैल्यू बच्चों इसमें ऐसे करो, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ पहले यूज करेंगे, इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दे दो, इस पॉइंट को बी पॉइंट को नाम दे देते हैं, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट ए, ठीक है, क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं यहाँ पर बनने वाला है कि वन इंटू में साइन जीरो, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जीरो है यहाँ पे, वन इंटू साइन जीरो बराबर म्यू गुना में साइन आर वन, म्यू इंटू में साइन आर वन, ठीक है, म्यू की वैल्यू से रूट टू है, दे भी सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसको नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। सपोज करो यहाँ पर बनता होगा आर वन एंगल, ठीक, तो ऐसे साइन जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ ये जो साइन आर वन होगा बच्चों, साइन आर वन इधर जीरो है तो जीरो का बट्टा म्यू जाएगा, ये भी जीरो, यानी कि यहाँ पर आर वन की वैल्यू क्या होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो डी होती है, यानी आर वन की वैल्यू क्या निकल गया बच्चों, जीरो डी निकल गया। चलो आर वन जैसे जीरो निकल गया, अब हम लोग इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर आर टू का मान निकालना, ठीक है, चलो आर टू का मान निकालने के लिए फिर से हम लगा देंगे फिर नौ यही वाला फॉर्मूला a इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू वाला लगा दो, ठीक है, तो a की जगह पर 30 डिग्री बराबर आर वन की जगह पर जीरो प्लस में आर टू की जगह पर हम सीधे आर टू ले देते हैं, ये हो जाएगा आर टू इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, देखो ये आर टू मेरे को निकल गया 30 डिग्री, ठीक है, चलो आर टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ द प्रिज्म के तरह ही आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं जाने, अब हम लोग यहाँ पर दो वैल्यू निकालने वाले, कौन कौन वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को ई निकालना है और एक डेल्टा का मान निकालना है, इमरजेंट एंगल कितना है और डेविएशन एंगल कितना है, उस दोनों का मान निकालते हैं। सबसे पहले इस पे इस बिंदु पे यहाँ पर बी पॉइंट पर स्नेल्स का लॉ यूज कर लेते हैं, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ये बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर स्नेल्स का लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा रूट टू इंटू में, आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर चूंकि मीडियम से लाइट निकल रहा है तो रूट टू इंटू में ये आर टू, आर आर टू की वैल्यू मेरे को निकला हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, तो पहले एक फॉर्मूला कर लेते हैं, इसे म्यू इंटू में साइन आर टू बराबर वन इंटू में साइन ई, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इसमें कर दो रूट टू इंटू में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वन इंटू में साइन ई रहने देंगे। अब देखो रूट टू मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री है, ठीक है, वन अपॉन टू बराबर यहां पर हो जाएगा साइन ई हो जाएगा, ठीक है, यहां पर अब जैसे देखो अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन ऐसे कर लो, यहाँ पे साइन ई का मान अगर निकालेंगे बच्चों तो ये रूट टू चूंकि भाग देंगे तो टू नीचे है ना, इसीलिए हम लिख सकते हैं ना साइन ई बराबर भाग दे करके देखो ये वन बाय रूट टू बचेगा, ठीक है, ये बचेगा बच्चों वन बाय रूट टू बचेगा, ठीक है, चूंकि ऊपर रूट टू है नीचे टू है भाग देंगे तो रूट टू आ जाएगा, ठीक है, अब इसीलिए अब यहाँ पर एक चीज देखो कि ये जो वैल्यू बचेगा बच्चों यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा रूट टू वन बट्टा रूट टू, अब वन बट्टा रूट टू किसका वैल्यू होता है बच्चों, तो वन बाई रूट टू साइन 45 डिग्री का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि e का जो वैल्यू हो जाएगा यह 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा, तो e का वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों 45 डिग्री आ गया, देखो अब e भी आ गया, आर वन आर टू सारा चीज पता है, अब लास्ट फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लिखने वाले हैं फिर से नौ इक्वेशन लगा दो यही वाला जो हम लोग यूज करेंगे i प्लस में e बराबर a प्लस डेल्टा, हमारा वैल्यू तुरंत आ जाएगा, जैसे i की जो वैल्यू है बच्चों तो i बराबर जीरो है, e के जगह पर 45 डिग्री आप रख दो, जैसे यहाँ पर ऐसे समझो कि i की वैल्यू जीरो है, e के जगह पर 45 डिग्री रख दो बच्चों, एंगल ऑफ द प्रिज्म 30 डिग्री है और प्लस में डेविएशन एंगल डेल्टा है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा बराबर हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 15 डिग्री, ये हमारा डेविएशन एंगल कितना निकल गया बच्चों, तो 15 डिग्री निकल गया, ठीक है, आई इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रिज्म का भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए और आसानी से प्रिज्म में सारा चीज किस प्रकार से निकालेंगे, स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे,
डेल्टा का मान यानी डेविएशन एंगल कि नहीं, आर वन आर टू, ये सारा चीज आसानी से हम इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। आगे की जो क्लास होगा बच्चों आप लोगों को, जिसमें आप सभी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताएंगे, यानी कि जब भी किसी प्रिज्म के अंदर बच्चों लाइट पास करता है, व्हाइट लाइट पास करता है, यानी सूरज की प्रकाश, सन की प्रकाश पास करता है, श्वेत प्रकाश जिसे हम लोग कहते हैं, तो प्रिज्म से निकलने के बाद वो सात कलर में टूट जाता है, सेवन कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस घटना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की जो थ्योरी है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आप लोग अगला क्लास में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, और जो बच्चे इससे पहले वाला वीडियो सब नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके, हमारे प्ले लिस्ट में आप इसी ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में आप इससे पहले वाला जितने वीडियो है उसको देख लेंगे, आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा। तो तब तक इतना ही रहने दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ट्वेल्थ के जो इस बार 2024 से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सभी को आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए, और 1 नवंबर से आप लोगों को महामैराथन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी आप लोग जरूर लाइव क्लास करेंगे, रात 9 बजे से रेगुलर क्लास एवरी डे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, जय हिंद जय भारत।